दौसा जिले के बांदीकुई में बोरवेल में गिरी बच्ची को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई है। जेसीबी की मदद से बोरवेल के पास गहरा गड्ढा खोदकर बच्ची को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बच्ची को निकालने के लिए पैरेलल डिगिंग 31 फीट कर ली गई है। हॉरिजॉन्टल अप्रोच के लिए 17 फीट जो है अप्रोच बना ली, उसमें से हम अभी तक 12 फीट अप्रोच कर चुके हैं, 5 फीट अप्रोच बाकी। उसके बाद हम बच्ची के नज़दीक नहीं, बच्ची अभी जो है होश में है और बच्ची को जो थोड़ी देर पहले जो है बिस्किट दी गई है उसको उसने कोशिश की खाने की और दूध उसको। दौसा के बांदीकुई में बोरवेल में गिरी बच्ची को निकालने के लिए लगातार प्रयास जारी है। इस घटना पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दौसा से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता संतोष कुमार। जी संतोष, क्या कुछ अपडेट है? विकास, बांदीकुई में इस समय जो बोरवेल की घटना हुई थी, बारिश होने के चलते इसमें थोड़ी बाधा आ रही है, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर उनको निकालने में लगी हुई है। गहरा गड्ढा कर लिया गया है, पाइप के जरिए उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार, पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा सहित समूचा लवाजमा इसी काम में जुटा हुआ है कि किसी तरह जल्दी से जल्दी इस बच्ची को जीवित अवस्था में सही तरीके सलामत बाहर निकाला जा सके। जी जी संतोष, इस तरह की घटनाएं कई बार देखने को मिलती है, तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई है जिसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया है? जिस तरीके से लापरवाही कहीं ना कहीं सामने आती है। बिल्कुल विकास, इस बार प्रशासन पूरी तरह अलर्ट था। इस बार प्रशासन ने विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है कि पानी संबंधी जल स्रोतों से पूरी तरह दूर रहें और खुले बोरवेल न छोड़ें, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। जिला कलेक्टर ने यह एडवाइजरी कई बार जारी की है, लोगों ने इसके कहीं की पालना भी की है। यह अलग बात है कि ये बच्ची और बच्चों के साथ खेल रही थी, घर के पास ही एक ये घटना है। वार्ड संख्या 2 जो बांदीकुई में पड़ता है, वहाँ 4-5 बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते उस बोरवेल में गिर गई। 2 वर्ष की यह नीरू गुजर है जो खेलते खेलते जब गिर गई तो तत्काल परिजनों ने प्रशासन को सूचना दी, तुरंत टीमें पहुंची और तभी से राहत और बचाव कार्य शुरू हो गए थे। क्योंकि अभी भी बारिश आ रही है, रात से बारिश का दौर जारी है जिसके चलते थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि घंटे 2 घंटे में उस बच्ची को सकुशल निकालने की कोशिशें की जा रही है। विकास जी संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।